please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आईआईटी दिल्ली में पढ़ने वाले छात्र अब कैंपस और हॉस्टल के अंदर सिगरेट, शराब या दूसरे किसी तरह का नशा नहीं कर पाएंगे। हालांकि आईआईटी कैंपस के अंदर सिगरेट और शराब पीने पर पहले से ही रोक है, लेकिन प्रबंधन ने नियम को और सख्त बना दिया है। नए नियमों के तहत जुलाई में दाखिले के वक्त छात्रों को कैंपस में सिगरेट, शराब या कोई दूसरा नशा नहीं करने के लिए लिखित में देना होगा। आईआईटी में पढ़ने वाले पुराने छात्रों को भी इस अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। आईआईटी प्रबंधन के मुताबिक कैंपस में नशे का सामान रखने, बनाते या बेचते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही छात्र को संस्थान से निकाला भी जा सकता है। कश्मीर के पहलगांव में 2015 की यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अव्वल आने वाली टीना डाबी और दूसरा रैंक पाने वाले अतर आमिर उल शफी खान अपनी शादी के रिसेप्शन में बैठे दिखे। 3 साल की दोस्ती के बाद ये दोनों आईएएस अफसर शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन सोशल मीडिया में इनकी शादी पर हंगामा मच गया, जिसकी गूंज सियासी गलियारों तक पहुंची। टीना अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ पहलगांव पहुंची थी, जहां शनिवार को उनके और अतर आमिर खान की शादी का रिसेप्शन था। टीना डाबी और अतहर आमिर खान 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं। सिविल सेवा की परीक्षा में टीना टॉपर थी और अतहर ने दूसरा रैंक हासिल किया था। 3 साल की दोस्ती के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर इनकी शादी पर हमला बोला गया। ट्विटर पर लिखा गया कि टीना लव जिहाद की शिकार हुई है, शायद उन्हें इस्लाम की स्त्रियों के विषय में और मान्यताओं की जानकारी नहीं है, ना ही उन्हें ये पता है कि हिंदुओं के लिए मुसलमानों के क्या विचार हैं। हालांकि टीना और अतहर ने पिछले 3 सालों में अपने रिश्ते को कभी नहीं छुपाया, लेकिन कश्मीर के रहने वाले अतहर से टीना डाबी की शादी सियासी गलियारों में भी मुद्दा बन गई। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपकी शादी पर बधाई टीना डाबी और अतहर आमिर उल शफी, 2015 बैच के आईएएस टॉपर। आपके प्यार को मजबूती मिले और आप असहिष्णुता और सांप्रदायिक नफरत के इस दौर में भारतीयों के लिए प्रेरणा बने। लेकिन राहुल के ट्वीट पर भी लोगों ने जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। शनिवार को कश्मीर के पहलगांव में टीना और अतहर की शादी का रिसेप्शन हुआ, जबकि मार्च में ही दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली थी। ट्विटर पर टीना ने लिखा कि मैं अपनी शादी के बारे में आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। अतहर और मैंने 20 मार्च को जयपुर के कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन के सामने कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी का सेलिब्रेशन 2 बार होगा। हाल ही में कश्मीर में सेलिब्रेशन हुआ, जबकि दिल्ली में 14 अप्रैल को सेलिब्रेशन होगा। लेकिन फिलहाल शादी को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ हंगामा जारी है। टीना और अतहर दोनों देश के जिम्मेदार अफसर हैं, इसलिए उनकी शादी पर बेवजह की बयानबाजी गलत है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस इसे सियासी रंग क्यों दे रही है। राजस्थान के अलवर में कुछ बच्चे ट्रेन के डिब्बे की तरह दिखने वाली क्लास में नजर आए। अलवर की रेलवे कॉलोनी के इस सरकारी स्कूल के ट्रेन और रेलवे स्टेशन की थीम पर बनाया गया है, जिसकी क्लास रेलवे के डिब्बों की तरह नजर आती है। इस सरकारी स्कूल को एक छोटे रेलवे स्टेशन की तरह डिजाइन किया गया है, जहां ट्रेन की अलग अलग बोगियों की तरह दिखने वाली क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। हर क्लास का दरवाजा ट्रेन के दरवाजे की तरह है, हालांकि अंदर का नजारा किसी आम क्लासरूम की तरह ही है। स्कूल के स्टाफ रूम और ऑफिस को भी इंजन और ट्रेन की शक्ल दी गई है। स्कूल प्रशासन का दावा है कि इस पहल से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ेगी। दूसरा स्कूल है इस देश में जो कि इस तरह से जो है डेवलप किया गया है। इस स्कूल को रेशम देवी नानक चंद मित्तल फाउंडेशन ने रेलवे स्टेशन की शक्ल दी, जिस पर लगभग 4 लाख रुपए का खर्च आया। स्कूल प्रशासन का दावा है कि स्कूल की नई इमारत बनने के बाद छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो इस तरह के हमारे सरकारी स्कूल बने कि उनको आकर्षक लगे और नई चीज और निजी स्कूलों से अच्छे हमारे स्कूल बने। कभी खस्ता हाल सा दिखने वाला ये स्कूल आज देश के तमाम सरकारी स्कूलों के लिए मिसाल है। सवाल ये कि देश में दूसरी जगहों पर भी इस तरह के सरकारी स्कूल क्यों नहीं खोले जाते, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में इजाफा हो सके और शिक्षा का स्तर भी बढ़े। भारत और नेपाल के बीच जल्द ही ट्रेन की सुविधा शुरू होने जा रही है। भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के दौरान इस बात पर सहमति बन गई। अब दोनों देशों के बीच जल्द ही रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जो बिहार के रक्सौल और नेपाल की राजधानी काठमांडू को जोड़ेगी। रक्सौल से काठमांडू की दूरी 142 किलोमीटर है। सड़क से इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। रेलवे लाइन बनने पर ये दूरी घटकर 2 से 3 घंटे के बीच रह जाएगी। ये रेलवे लाइन पूरी तरह से बिजली आधारित होगी। रेलवे लाइन को बिछाने के लिए सर्वे का काम अगले 1 साल में पूरा हो जाएगा और रेलवे लाइन बनाने का काम 2020 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद काम पूरा होने में 3 साल का वक्त लगेगा। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिठाइयां बांटते नजर आए। बीआरओ ने लोगों और पर्यटकों की आवाजाही के लिए रोहतांग का रास्ता करीब 15 दिन पहले ही खोल दिया।
जिसकी खुशी में बीआरओ के अधिकारियों ने मिठाइयां बांटी। 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद रोहतांग दर्रे पर जमा बर्फ को बीआरओ ने दिन रात काम कर 15 दिन पहले ही साफ करने का दावा किया। हमारे जवान लोग, हमारे ड्राइवर, ऑपरेटर, उन्होंने दिन रात काम किया। रोहतांग का रास्ता खुलने से उस रूट पर रोडवेज की बसों की आवाजाही भी शुरू होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग खूबसूरत वादियों की सैर कर पाएंगे। सवाल ये कि रोहतांग का रास्ता जल्दी खुल जाने से क्या वहां सैलानियों की तादाद बढ़ेगी। हालांकि बीआरओ ने बेहतरीन ढंग से अपनी ड्यूटी निभाई। इन इलाकों से देश का संपर्क बीआरओ जैसे संगठनों की वजह से ही रहता है।